हे एवरीवन, दिस इज लक्ष्मी तिवारी एंड यू वाचिंग एस एस स्क्रीन टारगेट क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के पार्ट 2 के सेकंड लेसन द स्कॉलर की। जो हमारी पोएम है द स्कॉलर, ये रॉबर्ट साउथी द्वारा लिखी हुई है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट लाइन। तो हमारी फर्स्ट लाइन है माई डेज एमंग द डेड आर पास्ट। माई डेज यानी कि मेरे दिन, एमंग मतलब होता है बीच में, डेड यानी कि मरे हुए कवियों, मरे हुए कवि जो है उनको बताया गया। इसमें डेड के लिए इस्तेमाल किया गया है, यूज़ किया गया ये वर्ड डेड। माई डेज एमंग द डेड यानी माई डेज एमंग द डेड यानी कि मेरे जो दिन हैं वो मरे हुए कवियों के बीच में आर पास गुजर रहे हैं। अराउंड मी आई बिहोल, अराउंड मतलब होता है चारों तरफ, बिहोल मतलब देखना, जब मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ। वेयर एवर मतलब होता है जहाँ भी। दीज कैजुअल आइज आर कास्ट, दीज मतलब ये कैजुअल आइज यानी एक आँखें, कास्ट मतलब होता है नज़र पड़ना। तो वेयर एवर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट, जहाँ कहीं भी मेरी ये नज़र एकाएक पड़ती है। द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, तो मुझे इनके भावों के बारे में, विचारों के बारे में पता चलता है। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स दे आर दे, माई नेवर फेलिंग मतलब होता है कभी ना धोखा देने वाले। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे यानी ये मेरे कभी ना धोखा देने वाले मित्र हैं। विद होम आई कन्वर्स डे बाई डे, विद हूम मतलब जिनके साथ, कन्वर्स मतलब बातें करना। सो विद होम आई कन्वर्स डे बाई डे, जिनके साथ मैं दिनों दिन बातें करता रहता हूँ। विद देम आई टेक डिलाइट इन वेल, विद देम मतलब जिनके साथ, आई मतलब मैं, डिलाइट मतलब होता है खुशी और वेल मतलब आनंदित होना, जिनके साथ मैं खुशियों में बहुत ही आनंदित हो जाता हूँ। एंड सीक रिलीफ इन वो, एंड मतलब होता है और, सीक मतलब होता है प्राप्त करना, महसूस करना, रिलीफ यानी कि आराम, इन वो मतलब होता है दुख। एंड सीक रिलीफ इन वो, और मैं जिनके साथ दुख में राहत महसूस करता हूँ। एंड व्हाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील, एंड व्हाइल मतलब और जब, आई अंडरस्टैंड यानी मैं समझता हूँ, एंड फील और महसूस करता हूँ। हाउ मच टू देम आई ओ, हाउ मतलब कितना, ओ मतलब होता है कर्जदार होना, मैं उनका कितना कर्जदार हूँ। माई चीक्स हैव ऑफन बीन बिड्यूड, माई चीक्स यानी कि मेरे गाल, बिड्यूड बिड्यूड मतलब होता है आंसू से भीगना, मेरे गाल प्राय आंसुओं से भीग जाते हैं। टीयर्स मतलब होता है आंसू। ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड यानी कि इस कृतज्ञता के विचार के साथ मेरे गाल आंसुओं से भीग जाते हैं। माई थॉट्स आर विद द डेड विद देम, माई थॉट यानी कि मेरे विचार, विद द डेड उन मरे हुए कवियों के साथ हैं। विद देम जिनके साथ, आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर जिनके साथ मैं लंबे पिछले लंबे सालों से रहा हूँ। देयर वर्च्यूज लव, वर्च्यू मतलब होता है गुण, देयर वर्च्यूज लव यानी मैं उनके गुणों से प्रेम करता हूँ। देयर फॉल्स कंडेम और उनके अवगुणों की या उनकी कमियों की, कंडेम मतलब होता है आलोचना करना, मैं उनकी कमियों की आलोचना करता हूँ। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर, पार्टेक मतलब होता है हिस्सा लेना, होप्स होप्स मतलब होता है आशाएं, फियर मतलब होता है भय। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर, मैं उनकी आशा और भय में हिस्सा लेता हूँ। एंड फ्रॉम देयर लेसन सीक एंड फाइंड, एंड फ्रॉम देयर लेसन यानी कि उनकी शिक्षा से सीख मतलब प्राप्त करता हूँ। एंड फाइंड और खोजता हूँ, उनसे शिक्षा प्राप्त करता हूँ। एंड फाइंड और खोजता हूँ इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश। विद एन हम्बल माइंड, हम्बल माइंड मतलब होता है नम्र मस्तिष्क, नम्र विचारों के साथ मैं उनसे निर्देश प्राप्त करता हूँ और खोजता हूँ। माई होप्स आर विद द डेड, मेरी आशाएँ, होप मतलब होता है आशाएँ, मेरी आशाएं उन मरे हुए कवियों के साथ हैं। एनन और जल्द ही, एनन मतलब होता है जल्द ही। माई प्लेस विद देम विल बी, मेरा स्थान भी, माई प्लेस यानी कि मेरा स्थान, विद देम उनके साथ, विद देम होता है उनके साथ, तो माई प्लेस विद देम विल बी, जल्द ही मेरा स्थान भी उनके साथ होगा। एंड आई विद देम शैल ट्रेवल ऑन, और मैं विद देम मतलब उनके साथ, और मैं उनके साथ यात्रा करूँगा। थ्रू ऑल फ्यूचुरिटी, थ्रू मतलब होता है कि जरिए, फ्यूचुरिटी मतलब होता है भविष्य का समय, फ्यूचुरिटी यानी भविष्य का समय, तो भविष्य के समय के जरिए मैं उनके साथ यात्रा करूँगा। येट लिविंग हियर अ नेम आई ट्रस्ट, येट फिर भी, लिविंग लिव मतलब तो छूटना, रहना, हियर मतलब यहाँ, आ नेम यहाँ केवल एक नाम ही रह जाएगा, आई ट्रस्ट ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, ऐसा मेरा मानना है। दैट विल नॉट पैरिश इन डस्ट, दैट जो कि नॉट पैरिश, पैरिश मतलब होता है मिलना, इन द डस्ट यानी धूल में, जो कि धूल में कभी नहीं मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।